हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका आपके अपने ही चैनल में, जिसका नाम है वेलकम इंडिया स्टडी। आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसके रूल्स और कुछ सेंटेंसेस को हम आपके लिए करके दिखाएंगे, जो बहुत ईजी हैं। आप बड़ी आसानी से इनको सीख सकते हैं और कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको बता दें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव। इसके पहले हमने वीडियोज में पास्ट कंटिन्यूअस का जो पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का जो नियम है, उसके जो सेंटेंसेस हैं, हमने उनको अपलोड कर दिया है। आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो रूल होगा नेगेटिव सेंटेंस बनाने का, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर में से कोई एक। अगर करता है एकवचन है तो वाज, अगर करता है बहुवचन तो वर, प्लस नॉट प्लस वी फोर, यानी वी वन में आई एन जी, या तो वी वन में आई एन जी लगा दो या वी फोर कर दो तो वो एक ही वर्ब बनती है। क्रिया की चौथी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ इस नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला सेंटेंस। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं अपना काम नहीं कर रहा था। तो आई वाज Not doing my work. I was not doing my work. ये negative sentence हो गया इस नियम के अनुसार। अगला sentence है, वह एक पत्र नहीं लिख रहा था। He was not writing लेटर। ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। अगला सेंटेंस है, सुधा गंदे कपड़े नहीं धो रही थी। सुधा, सुधा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज लगाए सह क्रिया। वॉज नॉट, धोना होता है वॉश, वॉशिंग। कैसे कपड़े थे? गंदे कपड़े, द डर्टी, डी आई आर टी वाई, डर्टी क्लॉथ्स। सुधा वॉज नॉट वॉशिंग द डर्टी क्लॉथ्स। अगला सेंटेंस है, हिरन घास नहीं खा रहा था। तो हिरन, द डियर सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज नॉट, ईट मीन्स खाना, आई एन जी लगाएंगे इसमें, वाज नॉट ईटिंग ग्रास, या द ग्रास भी लगा सकते हैं कोई पार्टिकुलर, अगर ग्रास है तो द ग्रास भी लगा सकते हैं, द डियर वाज नॉट ईटिंग ग्रास। अगला सेंटेंस है, मदन पाठ याद नहीं कर रहा था। मदन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज नॉट, लर्न करना याद करना की होती है लर्न, लर्निंग, मदन वाज नॉट लर्निंग लेसन। अगला सेंटेंस है, वह धूप में नहीं खड़ी थी। She was not, स्टैंड में खड़े होना, स्टैंडिंग कहाँ, इन द सन, इन द सन, सन मीन्स धूप या सन मीन्स सूरज। She was not standing in the sun. अगला सेंटेंस है, यह आदमी घंटी नहीं बजा रहा था। This man was not ringing. This man was not ringing. क्या नाम है? The bell. The bell. This man was not ringing the bell. तुम एक कविता नहीं पढ़ रहे थे। तुम
यू बहुवचन करता है यानी प्लुरल सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पर सहायक क्रिया आएगी वर, वर नॉट, पढ़ना मतलब होता है रीड, आईएनजी लगाएंगे, इसको फोर्थ हम बनाएंगे, यू आर नॉट रीडिंग, क्या नहीं पढ़ रहे थे, पोएम, यू आर नॉट रीडिंग अ पोएम, तुम्हें कविता नहीं पढ़ रहे थे। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस इस नियम के माध्यम से बना सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो रोज़ चाहिए, प्रतिदिन आपको डेली ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए, तो हमारे चैनल पर लगातार विजिट करिए और पर डे आपको एक नया वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।